चला रहे हैं, तो उनके लिए ना ये हाथ दर्द देगा। 135 तक ही लेके गया था, इसको भी ये बाइक पसंद आ गई। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सब अच्छे हो गए। तो गाइज, आज हम लेके आए हैं, आप फ्रेम में एक बार चेक करिए, हम लेके आए हैं आपके लिए R15 वर्जन 3, जो कि काफ़ी डिमांडिंग बाइक रहती है ये। और ये मॉडल रहने वाला है, क्या रहने वाला, माइलेज क्या है, सारी चीज़ आपसे क्लियर करेंगे। आज होने वाला इसका रिव्यू, ओनरशिप वीडियो, तो ओनर किसी के साथ रिव्यू करेंगे इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भाई, सबसे पहले हम मिलवाते हैं भाई ओनर जी से। तो भाई, आप आपका नाम? मुकेश। तो मुकेश सर, तो आपने इसका मूड कैसे बना लिया? भाई, ये अगर चौथी पास भी लड़का होता है ना, जब चौथी में जाता है तो उसको भी ये बाइक पसंद आती है। अगर कच्चा भी पहनने नहीं आता तभी भी उसको ये बाइक पसंद आती है। R15 तो का नाम चलता है। हाँ, वही सबको पसंद आती थी, तो मुझे भी पसंद थी तो बस ले ली। तो सबसे पहले अब इसका प्राइस बताइए आप, प्राइस यार उस टाइम में आपको कितने की पड़ी थी? 90 की पड़ी थी। 190 लिया था। तो कौन सा ये रहे? लगभग 2-2.5 साल हो गए, मतलब 2 साल, दो साल, दो, दो साल, साल तो 2021 मॉडल हो सकता है। हाँ, चलिए ठीक। और इसका टॉप एंड कभी चेक किया आपने? टॉप एंड यार 135 तक ही लेके गया था, क्योंकि कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। भागती तो 150 के आसपास है। हाँ है तो, लेकिन कभी बोलता रहा हूँ मौका ही नहीं मिला। मैं बिजी रहता हूँ यार, मैं कुछ सीख रहा हूँ तो उसमें बिजी रहता हूँ, तो बाइक चलाना मेरे लिए बहुत कम ही होता है। तो अभी इसका माइलेज कितना तक निकाल लिया आप? माइलेज यार कभी ध्यान नहीं दिया, तो जो कि इंडियन लोगों को काफी ज्यादा ये कुछ रहता है, 45 के आसपास रहता है। हाँ, अगर इसका BBA ऑन होता है, अगर भगाते हो तो 35, 35 से ऊपर नहीं जाएगा BBA भगाने पे। सो गाइज, अभी हम बात करेंगे इसके कंफर्ट की। तो कंफर्ट को लेके भाई काफ़ी लोग इसके साथ प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है काफ़ी लोगों को। तो भाई, इसका एक बार कंफर्ट बता दीजिए आप। भाई, कंफर्ट तो अच्छा है, लेकिन हाँ, जो फर्स्ट टाइम बाइक चला रहे हैं या कभी कभी चला रहे हैं, तो उनके लिए ना ये हाथ दर्द देगा, क्योंकि इसका राइडिंग पोस्चर थोड़ा अजीब सा लगता है। नहीं नहीं भाई, तो मज़ेदार, वो तो मज़ेदार है, वो धीरे धीरे, अब यार बताने की बात ही नहीं है। लड़के लेंगे तो चाहे कमर ही दर्द करे, लेकिन हाँ, मजा आएगा उनको चलाने में, ये आपको भी पता है। अभी आपके सामने ये थोड़ी चीजें जो इसके साथ रही है, अभी हम बात करेंगे इसमें बुरी चीजें क्या क्या है। तो अभी आपको बुरी चीजें इसमें क्या क्या लगी अभी तक 2 साल के अंदर? बुरी चीजें एक ही चीज है, अगर कभी गर्लफ्रेंड को बैठा लिया और बारिश हो गई दोस्त, तो गर्लफ्रेंड का पूरा पिछवाड़ा भीग जाएगा। और कभी गलती से भी वाइट कपड़ा पहन के कोई बारिश में बैठ गया पीछे ना, भाई पूरा कपड़ा खराब होने वाले है, क्योंकि यहाँ से जो ये चीज़ है ना, यहाँ से पूरा यहाँ से ना ये पूरा छीटा ऊपर आता है, आप मतलब देख सकते हो अभी ये छीटे तो उड़ाती है, क्योंकि मेरे हंटर में भी है वही सिस्टम है, उसका जो मडगार्ड आता है पीछे पतला रहता है। हाँ, तो भाई दोस्त बस, और बुरी चीज़ें कुछ भी नहीं है, जो मतलब बाइक है तो देखो, कोई बाइक हो उसमें अच्छी रहती है तो बुरी चीज़ें जरूर रहती हैं। हाँ, बुरी चीज़ें तो रहती ही हैं, मान लो कभी गांव है, गांव में अगर कभी आटा वाटा हो गया, गेहूं हो गया, तो वो तो अलग कैटेगरी, तो ले जा सकते, उसके लिए बाइक बनी नहीं है। अच्छा ही है मेरे ख्याल से, तो अच्छा ही है, मुझे पसंद है तो अच्छा ही है। जो कहते हैं ना, जो अगर किसी चीज़ से प्यार होना है तो बुरी चीज़ें नज़र नहीं आती, तो वो तो सही बात है, सब अच्छी चीज़ें ही नज़र आती है, बुरी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, तो प्यार है इससे, बस इतना समझ लो। तो अभी भाई सब चीज़ें बता चुके हैं, इसमें अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या है, और ये वो वाला वेरिएंट है जिसमें ABS आता है। तो ABS मतलब कि जो 2018 या 19 वाले में नहीं आता था, तो अभी इसमें ABS दे दिया इन लोगों ने फ्रंट में, अब हाँ, पीछे में भी है, दोनों में ही है ना। और क्वेश्चन इसका ना, ये ब्रेकिंग सिस्टम बहुत तगड़ा है दोस्त, बहुत तगड़ा है, सही बता रहा हूँ। मैं भगाता हूँ कभी कभी, मैं 2-3 बार बैल से बच गया लड़ने से, और गाड़ी वाले भी कभी कभी होता है ना कि जैसे गांजा पी के निकल जाते हैं कि बस मोड़ दो जल्दी से, कभी कभी होता है भाई। तो
मैं सही बता रहा हूँ, इसका ब्रेकिंग सिस्टम ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से, मैंने एक्सपीरियंस किया है तो बहुत अच्छा है। डबल ABS है, दो डबल ABS है, लेकिन बहुत तगड़ा है। डबल ABS के साथ बाइक की कंट्रोलिंग बहुत ही लाजवाब होती है, बहुत तगड़ी है। पर अभी ये V3 मॉडल आप देख रहे हैं जो, क्योंकि इसमें जो सस्पेंशन है तो ये टेलीस्कोपिक आता है, और जो अभी MR है इसमें USB फोक्स आता है। तो इसको इसके शॉकर के हिसाब से आपको क्या लगता है, सही है या नहीं है? हाँ ठीक ही है। अब ज़्यादा हार्ड वगैरह नहीं, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, कभी ऐसी जगह लेके नहीं गया कि ये मालूम पड़े कि हाँ टफ है या शॉकर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या चलाने में थोड़ा ये हो रहा है। अब रोड वाली गाड़ी है, रोड पे ही चलाओ तो ज़्यादा ही मज़ा आएगा मेरे, मतलब इस बाइक से आप पूरे सेटिस्फाइड हो? हाँ बिल्कुल मस्त एकदम। और भाई इसका टायर साइज वगैरह लीन वगैरह करने में कोई दिक्कत होती है अभी तक? नहीं कुछ भी नहीं, मस्त। ये ना जैसे टर्निंग पॉइंट रहता है ना उस पर बहुत अच्छे से काम करता है, मतलब ऐसा लगता है ना रोड पर चिपक के चलती है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर चलते हो एकदम तगड़ा। भाई मैं खुद बता रहा हूँ, मैं कभी 80-90 पे रहता हूँ ना, अगर लंबा टर्निंग है ना तो मैं कभी ब्रेक नहीं मारता हूँ, ये समझ लो ब्रेक नहीं मारता हूँ। तो इन्हीं वजह से काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं बाइक, है तो जबरदस्त है। और जो अभी नए एज वाले हैं ज़्यादातर R15 को पसंद करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको नाम पता रहता है, उनको भी पता है। हाँ उनको नाम शायद ना पता हो, अगर वो कभी गाड़ी देख लेते हैं ना तो बोलते हैं धूम गाड़ी आ गई, ये समझ लो। और ये हमारे शिवम भाई का चैनल है, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, लाइक करो, सब कुछ करो। नया चैनल है भाई का, सपोर्ट करो, आगे और भी शायद अच्छी अच्छी बाइक आपको देखने को मिल सकती है। तो थैंक यू गाइस, अभी इसी के साथ हम ब्लॉग समाप्त करते हैं। तो ब्लॉग कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर कमेंट करना, तो कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।